Today we are going to discuss about the differences between the general communication and technical communication. कल हम लोगों ने technical communication के बारे में पढ़ लिया था कि technical communication क्या होता है, उसके क्या features होते हैं. आज हम लोग technical communication general communication से अलग कैसे है, इस पर हम लोग discussion करेंगे. Okay, चलिए start करते हैं. इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरफ ले लेते हैं general communication को, ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन को, ठीक है. देखिए, जनरल कम्युनिकेशन जो भी होता है, ठीक है, ज्यादातर आप कभी भी किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपने रिलेटिव से बात करते हैं या अपनी फैमिली में बात करते हैं, तो आप हर वक्त एप्लीकेशन थोड़ी ना दे रहे होते हैं. यस और नो? आप हर वक्त एप्लीकेशन देते नहीं है. आप ज्यादातर कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, आप ओरली बात करते हैं. सो जनरल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और यू कैन से ऑलवेज, इट इज ओरल इन नेचर. इट इज ओरल इन नेचर. वेयर एज टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन. ये ओरल और रिटन दोनों होता है, ठीक है. जनरल आपका ओरल ही होता है ज्यादातर, और ये आपका ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहां पे एट टाइम्स आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन के दौरान आपको मे बी हो सकता है यू हैव टू कम्युनिकेट इन ओरल फॉर्म, आपको ओरली कुछ बोलना हो, वर्बली कुछ बोलना हो, और मे बी यू हैव अ डॉक्यूमेंट टू क्रिएट, आपको रिटन भी देना हो सकता है, मेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है. वो सारी आपकी किसमें आ जाती है, वो आपके रिटन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है. चलिए, अब देखिए यहां पे जब ये ओरल और रिटन दोनों में है, तो यानी कि रिटन की अगर हम बात करें, अगर चलिए हम केवल रिटन को ले लेते हैं, तो रिटन में क्या होगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा हमारे पास, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होगा उसको लिखने का, वी हैव टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू द लॉज, और जो भी लिखने हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. सो यहां पर हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन जो भी होता है वो बेसिकली कैसा है, वो फॉर्मल इन नेचर है. कैसा है? फॉर्मल इन नेचर. जबकि जनरल कम्युनिकेशन आपका क्या है, दैट इज इनफॉर्मल इन नेचर, ठीक है, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर. ये कैजुअल होता है, इनफॉर्मल कह लें कैजुअल कह लें एक ही बात है, ये आपका फॉर्मल होता है और ये आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन हमें कई चीजें बिल्कुल फॉर्मल वे में गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, इस तरीके से बोलनी होती है. वेयर एज इनफॉर्मल में जब हम जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो हम इतना कैजुअल बात करते हैं, फॉर्मल बात नहीं कर पाते, तो यहां पे इसीलिए हमने क्या ले रखा है, इनफॉर्मल ले रखा है, ठीक है. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाए, मैंने जैसा भी आपको बताया कि रिटन कम्युनिकेशन भी होता है इसमें, तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, इट विल हैव अ सेट पैटर्न, ठीक है, इसका एक सेट पैटर्न होगा कि डेट लिखनी है, टाइम ये करना है, किसको एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या वगैरह वगैरह. जबकि यहां पे अगर पहली बात तो जनरल में हम ज्यादातर ओरल काम करते हैं, रिटर्न करते नहीं, बट अगर करेंगे भी तो फॉर्मेट डजेंट मैटर, ठीक है, फॉर्मेट डजेंट मैटर. दिस मीन्स पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न हम इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है. चलिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन की अगर बात करें, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में ज्यादातर जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स. कैसे होंगे ये, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक, मतलब कि फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, ग्राफ, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी. जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पे सारे की सारी चीजें कैसी होंगी, दे विल बी कंप्लीटली कैजुअल इन नेचर, ठीक है, कोई टेक्निकलिटी नहीं होगी, सारी की सारी कैसी होगी, कैजुअल इन नेचर होगी, ठीक है. और हम अगर टेक्निकल टर्म के टेक्निकल डेटा के टर्म में बात करें, टेक्निकल के टर्म में बात करें, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो भी होता है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक पर्पस. ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, ठीक है, एक पर्पस होना चाहिए इसका, रीजन होता है. अगर आप लेटर लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक जनरल आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल है जो कि स्कूल में लेटर लिख रहा है, तो वो स्कूल में लेटर अगर लिख रहा है
तो वो किस लिए लिख रहा है, कोई रीजन होगा, या तो छुट्टी के लिए लिख रहा है, मे बी वॉन्ट अ लीव और समथिंग, दैट इज वाई ही इज राइटिंग लेटर ना. जबकि घर पे क्या आपको लेटर लिखना पड़ता है, नहीं, आपने सिंपली बोल दिया. तो यहां पर या आप अपने माँ बाप से जब बात करते हैं, या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या अपने घर में किसी से बात करते हैं, तो क्या कोई पर्पज होता है उसका बात करने का? नहीं, वो तो कैजुअली बात कर लेते हैं. सो यहां पे पर्पज इतना मैटर नहीं करता है. नो पर्पज, पर्पज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पर्पज का होना मैंडेटरी है. यहां पे तो पर्पज होगा ही होगा. ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन. हम जब भी करते हैं तो वी डू नॉट यूज वेरी स्टिफ वोकैबुलरी. स्टिफ वोकैबुलरी हम नहीं यूज करते. स्टिफ वोकैबुलरी का मतलब मेरा यहां पे क्या है, मैं यहां पे स्टिफ वोकैबुलरी से मतलब मेरा ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वेरी डेकोरेटिंग और द वेरी चार्मिंग टाइप ऑफ वर्ड्स. मतलब हम बहुत ही स्पेसिफिक रखते हैं चीजों को. चीजों को हम बिल्कुल स्पेसिफिक रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, मिनिमम से मिनिमम रखेंगे. जबकि यहां पर वी कैन यूज दैट. यहां पे वी कैन यूज हाई क्लास, और मे बी यू कैन से गुड वोकैबुलरी. सो वी कैन यूज डेकोरेटेड वोकैबुलरी. डेकोरेटेड वोकैबुलरी से मतलब यही है कि जो वर्ड्स नहीं काफी अच्छे लगते हैं सुनने में कि हाँ भाई ये बोला गया उस तरीके से. ठीक है, यहां पे हम डेकोरेटेड वोकैबुलरी का यूज कर सकते, जबकि यहां पे नहीं करते. टेक्निकल कम्युनिकेशन का बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो पैटर्न यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कभी भी कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वी यूज द पैटर्न ऑफ किस, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जितना आप उसको शॉर्ट एंड सिंपल एंड टू द प्रसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा. और जितना आप उसको लेंदी करते जाएंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होती जाएगी. तो ये डिफरेंसेस हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन के बीच में. इन्हें आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, एंड इफ इन केस इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सिंपली लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन कम बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.